नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। कोरोना की तीसरी लहर की आहट और इंदौर में नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के दस्तक के बीच आज मंगलवार को मध्य प्रदेश में फिर से कोरोना का ब्लास्ट हुआ है। आज यानी कि 21 दिसंबर 2021 को 23 नए कोरोना के पॉजिटिव केस सामने आए हैं। इसमें इंदौर में 9, भोपाल में 6 पॉजिटिव केस मिले हैं और इसके बाद संक्रमण की जो दर है वो 0.4% तक पहुंच गई है। लेकिन रात भरी खबर यह है कि 19 मरीज डिस्चार्ज भी हो चुके हैं और रिकवरी का रेट 98% के पार है। इधर विदेशों से लौटे लोगों के लगातार पॉजिटिव आने से सरकार की टेंशन बढ़ गई है। अब छत्तीसगढ़ में विदेशों से आवाजाही के बीच में कोरोना संक्रमण के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की आशंका लगातार बरकरार है। रविवार को रायगढ़ में एक ऐसे व्यक्ति में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है जो कि कनाडा से लौटा है। स्वास्थ्य विभाग ने यह नमूना जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भुवनेश्वर भेजा है। इन्हीं दहशत और आशंकाओं के बीच हमारे संवाददाता ने दोनों राज्यों के विभिन्न जिलों से कुछ रिपोर्ट्स भेजी हैं। आज हम आपको मंदिरों और धर्म स्थानों की रिपोर्ट दिखाते हैं। पहली रिपोर्ट है महाकाल की नगरी उज्जैन से, जहां पर ओमिक्रॉन के दहशत के बीच में कोरोना के मरीज लगातार बढ़े हैं। यहां के हनुमान मंदिर में जब हमारे संवाददाता पहुंचे हैं तो फिर वहां पर दर्शन के लिए आए कुछ श्रद्धालु गाइडलाइन का पालन करते दिखे तो कुछ श्रद्धालु इसका पालन नहीं कर रहे थे। देखिए ये खास रिपोर्ट। दहशत के बीच उज्जैन जिले में कोरोना मरीज भी बढ़ रहे हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूं बजरंगबली भगवान के मंदिर के बाहर। आप देख सकते हैं कि यहां लगातार श्रद्धालु दर्शन के लिए आ रहे हैं। हम आज जायजा ले रहे हैं कि किस प्रकार से श्रद्धालु कोरोना गाइडलाइन का पालन कर रहे हैं। भैया, आप दर्शन करने आए हैं, किस प्रकार से कोरोना गाइडलाइन का पालन हो पा रहा है? कुछ लोग कर रहे हैं, मास्क लगा रखा है बहुत से लोगों ने, और कुछ कुछ नहीं लगा रहे हैं, तो उन्हें भी लोग बोल रहे हैं कि मास्क लगाएं करें करके, और लोग ऐसे भी दूर हैं, सब पालन कर रहे हैं सोशल डिस्टेंसिंग का और कोरोना की गाइडलाइंस का। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर श्रद्धालु का कहना है कि कुछ लोग मास्क लगा रहे हैं, हालांकि इन्होंने मास्क लगा रखा है। एक और मेरे साथ यहाँ श्रद्धालु, भैया आपने मास्क नहीं लगा रखा, आप दर्शन करने आए हैं, आज क्या विशेष दिन है? आज मंगलवार का दिन है और बजरंग बली का दिन है, और कहा जाता है कि तुम रक्षक तो डर काहे का, तो ऐसे बजरंग बली के मंदिर में हम लोग आए हैं। चूँकि हमारी सरकार द्वारा अब जो हमें मुफ्त में एक वैक्सीन दी गई है, उसके दोनों डोज मैंने लगा लिए हैं और हम लोग बाकी गाइडलाइन दूर से पालन कर रहे हैं। और मास्क नहीं पहना? मास्क मुझे लगता है कि चूँकि मैं डबल वैक्सीनेटेड हूँ तो मुझे लगाना भी चाहिए, पर नहीं भी लगाऊंगा तो बहुत विशेष मुझे कोई उससे फ़र्क नहीं पड़ने वाला। हाँ, मुझसे अगर किसी को संक्रमण हो सकता है तो वो लगाए, छोटे बच्चों को लगाना चाहिए। आप देख सकते हैं कि इनका साफ तौर पर कहना है कि इन्होंने दोनों वैक्सीन लगाई है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग जरूर यह एहतियात बरतने के लिए कह रहा है कि लोगों वैक्सीन जिन्होंने लगा लिया है उन्हें भी मास्क लगाना चाहिए। साथ ही सबसे महत्वपूर्ण बात है कि उज्जैन जिले में प्रतिदिन अब 1000 से 1200 लोगों की यहाँ पर टेस्टिंग हो रही है, ताकि किसी प्रकार का कोई यदि संक्रमित पाया जाता है उसे तत्काल उपचार दिया जा सके। इसके पहले यहाँ पर लगभग 500 से 600 लोगों को ही टेस्टिंग होती थी। उज्जैन के पास में इंदौर जिले में 2 ओमिक्रॉन के मरीज मिले हैं, जिसका यहाँ पर भी दहशत बनी हुई है। उज्जैन से इंडिया न्यूज के लिए प्रेम डोडिया। तो वहीं ग्वालियर के मंदिर में भी कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन पर आस्था भारी पड़ती हुई दिख रही है। गौरतलब यह है कि देश में ओमिक्रॉन के बढ़ते मामले सरकार की चिंता का सबब बने हुए हैं, लेकिन आम जनता शासन के द्वारा निर्धारित गाइडलाइन का पालन बिल्कुल नहीं कर रही है। शहर के लगभग हर मंदिर में यही स्थिति देखी जा रही है। इसका जायजा हमारे संवाददाता संजय शर्मा ने लिया है। इसमें कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के बढ़ते मामले लगातार सरकार की चिंता के सबब बने हुए हैं। वहीं ग्वालियर के मंदिरों की यदि बात की जाए तो यहाँ पर बिल्कुल भी लोगों को डर नहीं है। कह सकते हैं कि आस्था और श्रद्धा पर श्रद्धा का जो है वो कोरोना पर साफ तौर पर भारी दिखाई देता है। आस्था श्रद्धा यहाँ पर कोरोना पर भारी दिखाई दे रही है। यहाँ पर साफ तौर पर आप देख सकते हैं बिना मास्क के और बिना सोशल डिस्टेंसिंग के लोग यहाँ पर हैं। हालांकि अभी इस समय जो है भंडारा चल रहा है, लेकिन बावजूद इसके लोग कहीं भी मास्क यहाँ पर उपयोग नहीं कर रहे हैं। वहीं सोशल डिस्टेंसिंग की बात की जाए, सोशल डिस्टेंसिंग बिल्कुल भी यहाँ पर मौजूद नहीं है। वहीं मैं बता दूं कि लगातार सरकार लोगों को चेता रही है, लगातार लोगों को समझा रही है, लेकिन बावजूद इसके जो है लोग यहाँ पर नहीं मानते नजर आ रहे हैं। बिना मास्क के लोग यहाँ पर मंदिरों के अंदर हैं, तो कहीं ना कहीं जो मंदिरों की भर्ती भीड़ जो है ओमिक्रॉन और खासतौर पर कोरोना के जो संकट है वो लगातार यहाँ पर बना हुआ है। वहीं कुछ लोगों से बात करेंगे। जी, आप यहाँ पर दर्शन करने के लिए आए? एक्चुअली मैं आप दर्शन करने के लिए आए? नया हूँ, मुझे यहाँ का आइडिया नहीं है। चलिए, आप दर्शन करने नहीं आए? ठीक है, ओके। आप दर्शन करने आए? हाँ, दर्शन करने आए। आपका मास्क कहाँ है? मास्क नहीं, अभी निकल है बैग में, दर्शन करने जा रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ पर और भी लोग हैं,
ये आपने दर्शन करने भी आए हैं जी? दर्शन करने आए आप? या आपका मास्क कहाँ पर? अरे मास्क गाड़ी में रह गया, सॉरी। बिल्कुल, तो लगातार देख सकते हैं कि यहाँ पर जो लोग हैं वो यहाँ पर भक्तगण हैं, उनके नज़र में जो है उनको भगवान बचाएगा उन और उनका ये कहना है, और साफ तौर पर जो कोरोना है उस पर आस्था यहाँ पर भारी दिखाई दे रही है। संजय शर्मा, इंडिया न्यूज, ग्वालियर। तो एक तरफ तो आप देख रहे हैं ओमिक्रॉन का जो खतरा है वो लगातार बढ़ रहा है, लेकिन लोग किस तरह से लापरवाह नजर आ रहे हैं इन तस्वीरों में अभी आपने देखा है। और अब सीधे ग्वालियर का रुख कर लेते हैं, हमारे सहयोगी संजय हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संजय, मंदिर में आप पहुंचे, वहां पर तो लोग मास्क लगाए हुए नजर नहीं आ रहे थे, लेकिन पूरे ग्वालियर की भी अगर मैं आपसे बात करना चाहूं तो क्या नजर आ रहा है? क्योंकि एक तरफ तो हम देख रहे हैं कि ओमिक्रॉन का जो खतरा है वो लगातार लोगों को अब इस समय परेशान कर रहा है, लेकिन लोगों की लापरवाही आपको किस स्तर पर नजर आ रही है और इसको लेकर के प्रशासन कितना सचेत है, अपडेट करें। तो चलिए संजय के पास हम दोबारा से रुख करेंगे, लेकिन एक बार उज्जैन का भी रुख कर लेते हैं। संजय हमारे साथ एक सहयोगी उज्जैन से जुड़े हुए हैं, प्रेम डूडिया हमारे साथ जुड़े हुए हैं उज्जैन से। प्रेम, आपका भी मैं रुख करता हूं, क्योंकि हम लोग अभी जो तस्वीरें देख पा रहे हैं साफ तौर पर नजर आ रहा है कि जो लोग हैं ओमिक्रॉन को लेकर के अभी उतने सीरियस नहीं है या गंभीर नहीं है, क्या इस समय स्थिति है उज्जैन के अंदर, अपडेट करें। जी हाँ, निश्चित तौर पर उज्जैन धर्मनगरी है, यहाँ पर देश के कोने कोने से श्रद्धालु पहुँचते हैं, तो यहाँ पर सबसे अधिक खतरा भी बना हुआ है। क्योंकि हम मंदिरों की बात करें, भले आज मंगलवार हो, हनुमान जी के मंदिर की बात करें या विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर की, यहाँ पर भी जो श्रद्धालु है उनकी लापरवाही साफ देखी जा रही है। देश के कोने कोने से जो श्रद्धालु महाकाल मंदिर या अन्य धार्मिक स्थलों पर पहुँच रहे हैं, वे लापरवाही यह कर रहे हैं कि एक तो मास्क नहीं लगा रहे हैं, उसका खास कारण यह है कि हर कोई चाहता है कि यहाँ पर सेल्फी ले या फोटो खिंचवाए। इस लापरवाही की वजह से वे ग्रुप में फोटो करवाते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो पा रहा है, साथ ही मंदिर समिति भी कोई सख्ती नहीं कर पा रही है, यहाँ पर मंदिर समितियों की भी लापरवाही साफ दिखाई दे रही है। इसके अलावा हम आंकड़ों की बात करें तो जरूर उज्जैन में अभी 5 एक्टिव मरीज हैं जो कि कोरोना के हैं। इससे बड़ी चिंता की बात है कि इन मरीजों की ओमिक्रॉन की जाँच रिपोर्ट भेजी गई है जो कि अभी आना बाकी है, तो कहीं ना कहीं अभी यह सवाल बड़ा खड़ा हो रहा है, क्योंकि पास ही के शहर इंदौर में 2 ओमिक्रॉन के मरीज पाए गए हैं, तो उज्जैन में भी यह दहशत बनी हुई है। हालांकि यहां पर प्रशासन यह जरूर कर रहा है कि जो रेंडमली जांच की जा रही है वो लगभग 1000 से 1200 लोगों की प्रतिदिन सैंपलिंग की जा रही है, जिसमें उनकी जाँच हो रही है। हालांकि यहाँ पर जो 5 मरीज एक्टिव हैं उसमें से 3 का अस्पताल में उपचार जारी है, 2 ही मरीज हैं जो कि यहाँ पर घर पर उपचार जारी है जिनका, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर प्रशासन की ओर से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जो टीकाकरण को लेकर अभियान चलाया गया है, उस अभियान के तहत यहाँ पर अब प्रत्येक चौराहों पर कैंप लगाए गए हैं, वहीं पर स्वास्थ्य विभाग का अमला बैठ रहा है, यहाँ पर जो भी आने जाने वाला है प्रत्येक लोगों को रोक रहे हैं, उनके वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट जांच रहे हैं। खास बात यह कि जिस भी व्यक्ति ने यदि दूसरा डोज लगाना बाकी है या पहला डोज नहीं लगाया है, उन्हें यहाँ पर डोज भी लगाया जा रहा है, तत्काल स्पॉट पर ही यहाँ पर वैक्सीनेशन की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। इसके पहले अमूमन यह देखा गया कि जो धर्मशाला है या अन्य शासकीय बिल्डिंगें हैं वहाँ पर कैंप लगाए गए थे, वहीं पर लोग पहुँच रहे थे, परंतु अब प्रशासन ने यहाँ पर डोर टू डोर के अलावा चौराहों पर भी कैंप लगाना शुरू कर दिए, ताकि जितनी अधिक वैक्सीन हो जाएगी उतना ही ओमिक्रॉन या कोरोना के खतरे से बचा जा सकता। ये तो टेस्टिंग और ट्रैकिंग की बात हो गई, ये जरूरी है, हालांकि स्वास्थ्य महकमा इसको लेकर के सतर्क है, ये अच्छी बात है, लेकिन जो लोग इस समय लापरवाही बरत रहे हैं, क्योंकि आप मंदिर का जिक्र कर रहे थे, मंदिर के अलावा भी जो लोग मार्केट प्लेस पे जा रहे हैं या जो लोग गैदरिंग कर रहे हैं वहां पर भी लोगों के मुंह पर मास्क तो नजर आ नहीं रहा। अब इसको लेकर के प्रशासन क्या कोई सख्ती बरतने के मूड में आपको वहां नजर आ रहा है, या वहां पर प्रशासन इसको कैसे रोकेगा, क्योंकि लोग तो समझने के लिए तैयार नहीं है, इस विषय में क्या जानकारी है? जी हाँ, निश्चित तौर पर हमारी जब इस विषय को लेकर लोगों से बात हुई तो यहाँ पर लोगों की एक बड़ी लापरवाही देखने को मिल रही है कि ज्यादातर लोगों ने, हम उज्जैन की बात करें तो लगभग 95% लोगों ने वैक्सीन लगा लिया है। इन लोगों का कहना है कि उनके दोनों डोज लग चुके हैं, इसलिए अब उन्हें कोरोना का कोई खतरा नहीं है।
इसलिए वे मास्क नहीं लगा रहे, तो कहीं ना कहीं ये एक लापरवाही भी है। वहीं स्वास्थ्य विभाग या प्रशासन की बात करें तो अब जैसे जैसे ओमिक्रॉन का मामला सामने आ रहा है तो प्रशासन ने सख्ती अपनाई है। वहीं अब फिर से एडवाइजरी जारी की जा रही है। एडवाइजरी इस बात की है कि सोशल डिस्टेंसिंग व मास्क, इन दो बातों पर ज्यादा विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इसको लेकर प्रशासन ने अब लगातार रोको टोको अभियान शुरू कर दिया है। रोको टोको के तहत स्वास्थ्य विभाग की टीम के साथ ही पुलिस प्रशासन का अमला भी अब मार्केट में मौजूद रहता है। जो भी व्यक्ति मास्क नहीं लगा रहा उसे पहले इस अभियान के तहत रोको टोको के तहत यहाँ पर उन्हें रोका जा रहा है, टोका जा रहा है, उन्हें हिदायत दी जा रही है। प्रशासन का कहना है कि वो पहले चरण में रोको टोको अभियान चलाएंगे जिसके तहत लोगों को यह जागरूक किया जाए कि फिर से मास्क लगाना है, कोरोना गाइडलाइन का पालन करना है। यदि इसके बाद भी लोग लापरवाही करें तो उसके बाद सख्ती की जाएगी, फिर उनके ऊपर फाइन लगाया। चलिए प्रेम, बहुत शुक्रिया फिलहाल इस बातचीत तो जानकारी के लिए। उम्मीद हम भी यही करेंगे कि कम से कम उज्जैन के अंदर ये जो स्थितियां हैं वो बिगड़ती हुई नजर ना आए। ग्वालियर का एक बार फिर से रुख कर लेते हैं। संजय हमारे साथ वहां से सहयोगी जुड़े हुए हैं। संजय, ग्वालियर में समय क्या स्थिति, क्योंकि मंदिरों में तो आपने दिखाया कि लोग मास्क नहीं लगाए हैं या लापरवाही बरत रहे हैं, लेकिन पूरे ग्वालियर के अंदर क्या आपको लग रहा है कि ओमिक्रॉन को लेकर के लोग सतर्क हैं या फिर संजीदा हैं? सोशल डिस्टेंसिंग या मास्क आपको कहीं नजर आ रहा है? देखिए, साफ तौर पर कहा जा सकता है कि ग्वालियर में दूसरी लहर से ग्वालियर के लोगों ने सबक नहीं लिया है। दूसरी लहर में 1,500 से ज्यादा लोगों की यहाँ पर मौत हुई थी, लेकिन बावजूद उसके लोगों ने अभी तक सबक नहीं लिया है। वहीं देश भर में ओमिक्रॉन के तमाम सारे बढ़ते हुए मामले नजर आ रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके मध्य प्रदेश में भी मामले मिले हैं ओमिक्रॉन के, लेकिन उसके बावजूद भी ग्वालियर के लोगों की यदि बात की जाए तो ना तो वे मास्क ही लगा रहे हैं, ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं। यहाँ पर मंदिरों की बात की जाए, चाहे स्वास्थ्य विभाग की यदि अस्पतालों की बात की जाए, स्कूलों की बात की जाए, तमाम सारे, इससे बड़ी बात क्या होगी जब कलेक्ट्रेट जो कि इन सब गाइडलाइन का पालन करवाने की सलाह देता है, उस कलेक्ट्रेट के अंदर भी जो है लोग मास्क यहाँ पर नहीं लगा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो है लोग सरकार की चिंता का सबब तो बना ही हुआ है। वहीं प्रशासन भी लगातार सख्ती बरत रहा है, लेकिन बावजूद इसके अभी लोग यहाँ पर जागरूक नहीं है कोविड को लेकर। वहीं ओमिक्रॉन की यदि बात की है तो उनका साफ तौर पर कहना है, जब हमने लोगों से बात की तो उनका ये कहना था कि अभी ओमिक्रॉन आया नहीं है, तो यहाँ के लोगों की जो मानसिकता है उसको कोई नहीं बदल सकता। ये साफ तौर पर देखा जाता है, झंडे के जोर पर जनता कुछ काम करती है, लेकिन इससे बड़ी बात यह है कि लोग यहाँ पर बिल्कुल भी सोशल डिस्टेंसिंग का, कोविड गाइडलाइन का पालन यहाँ पर। लेकिन संजय देखिए, इसके दो पक्ष हैं। एक तो ये है कि या तो लोग अवेयर हो जाएं, लोगों को इतनी अवेयरनेस प्रशासन के द्वारा या वो तमाम सोशल मीडिया से पहुंच जाए तो लोग अपने आप मास्क लगाने लगे। दूसरा ये है कि प्रशासन सख्ती बरते। आपने कहा कि प्रशासन सख्ती बरत रहा है लेकिन उसके बावजूद भी लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं, ये सख्ती किस स्तर पर है फिर, या कोई इसका प्लान है आपको नजर आ रहा है कुछ अधिकारियों के द्वारा या स्वास्थ्य महकमे के द्वारा कुछ बताया गया कि कैसे रोकेंगे इसको? क्योंकि ओमिक्रॉन का खतरा अगर है और लोग लापरवाही बरत रहे हैं तो ये सबके लिए भारी हो सकता है। कितनी तैयारियां हैं वहां पर? बिल्कुल आयुष, प्रशासन अभी केवल ऊपरी तौर पर तैयारी कर रहा है। हालांकि कुछ देर पहले उसने खुली जेल का प्रावधान भी किया था, लेकिन वो अब तक कुछ बंद हो चुका है। सबसे बड़ी बात यह है कि तमाम सारे जो राजनीतिक दलों के जो प्रोग्राम होते हैं, कार्यक्रम होते हैं, उन कार्यक्रमों में भीड़ बहुत ज्यादा आती है। और अभी इससे पहले शादी समारोह का जो है मौसम चला था, तो शादी समारोह के मौसम में भी लगातार भीड़ यहाँ पर दिखाई दी थी। सबसे बड़ी बात यह है कि आम जनता की यदि बात की जाए तो आम जनता को जो है प्रशासन की गाइडलाइन का पालन भी करना पड़ता है। शादी समारोह में 200 से ज्यादा लोग यहाँ पर नहीं आते, लेकिन वहीं जब राजनेताओं की जो आसपास के जो अधिकारी हैं, राजनेता हैं, उनके शादी समारोह की बात किया तो 1,000, 5,000, 10,000 से ऊपर की भीड़ दिखाई देती है, तो जनता भी सवाल उठाती है। सबसे बड़ी बात यह है कि ग्वालियर में जनता की यदि बात की है, जनता तो कुछ कुछ अलग अलग जगह पालन कर रही है, कुछ हद तक पालन कर रही है, लेकिन जो बड़े वरिष्ठ अधिकारी है वही पालन करते हुए यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहे। कलेक्ट्रेट के अंदर ऐसा हमने नजारा इससे पहले हमने दिखाया था कि कलेक्ट्रेट के अंदर ही जो है गाइडलाइन का पालन यहाँ पर नहीं हो रहा है। बिना मास्क के बेरोटोक लोग यहाँ पर आ जा रहे हैं, तो ये सबसे बड़ी बात ये है कि जो लोग ये नियम तय करते हैं, जो गाइडलाइन का पालन करवाने के लिए कहते हैं, ये बड़ी बात संजय आप बता रहे हैं। वाकई में अगर कलेक्ट्रेट परिसर के अंदर भी ऐसी स्थितियां हैं तो फिर कैसे इसका पालन करवाया जाएगा, एक बड़ा सवाल है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए इस बातचीत के लिए। बलौदाबाजार जिले के भी हनुमान मंदिर में कोरोना के नए वेरिएंट यानी कि ओमिक्रॉन को लेकर के यहाँ पर जो गाइडलाइन है उसका पालन नहीं किया जा रहा है, जानने के लिए हमारे संवाददाता ने मंदिर में भक्तों और पुजारियों के साथ चर्चा भी की थी। वहां पर भी ये नजर आया कि लोग यहाँ गाइडलाइन का पालन करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। आप खुद ही देखिए वहाँ के हालात कैसे हैं। यहाँ जो कोरोना के शासन के नियम बने हुए हैं उसका हर भक्तगण पालन करते हुए, मेरे भगवान भी उसका पालन करते हैं, और
जो शब्द है, भारतीय शब्द जो है विश्वास, जैसे श्रद्धा विश्वास रूप ये ईश्वर का है, तो सब ईश्वर की बनाई हुई व्यवस्थाओं को विधिवत पालन करते हुए, शासन के निर्देशों का पालन करते हुए अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हैं। कोरोना देश में, विदेश में, सभी जगह विश्व में व्यापक हुआ है, तो इस मंदिर में बराबर कोरोना के हिसाब से सभी कोई दूरी बनाए रखते हैं, 2 गज की दूरी। निवाड़ी के हनुमान मंदिर में ज्यादातर श्रद्धालु बिना मास्क के दिखाई दिए हैं। लोगों में कोरोना को लेकर के जागरूकता में कमी दिखी है, ये रिपोर्ट देखिए। निवाड़ी का जो हनुमान मंदिर है और वहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर जितने भी लोग आ रहे हैं, भक्तगण आ रहे हैं, मास्क किसी के पास भी नहीं दिखाई दे रहा है। हम देख रहे हैं कि ओमिक्रॉन जो वायरस है वो लगातार हम उसके मामले पूरे देश में बढ़ रहे हैं, लेकिन अभी भी मास्क के प्रति लोगों में जागरूकता नहीं दिखाई दे रही है। हम मंदिर में कुछ एक जो व्यक्ति है उनमें मास्क जो है, ये युवा है वो मास्क लगाए हुए हैं, लेकिन अधिकतर लोग ऐसे भी रहे हैं जो मास्क का पालन नहीं कर रहे हैं। तो कई ऐसे लोग हैं जिन्हें आज भी जागरूक होने की आवश्यकता है। हम यहाँ उनके पास खड़े हुए हैं और हम देख रहे हैं कि यहाँ पर मास्क लेकर के लोगों में जागरूकता है। ये मास्क के लिए कोई भी बात करना नहीं चाह रहा है और ना लोग मास्क लगाए हुए हैं। हम देख रहे हैं मास्क के प्रति लोगों में जागरूकता नहीं है, चाहे मंदिर हो, बाजार हो, आम स्थान हो, मास्क का उपयोग ना करने से जो नया वायरस है उसको फैलने की पूरी आशंका बनी हुई है। इंडिया न्यूज के लिए निवाड़ी से। तो इंडिया न्यूज की टीम कोरोना को लेकर के लोगों में जागरूकता जानने के लिए अमरकंटक भी पहुंची है और वहां का हालात क्या है उसका जायजा लिया है। हमारे संवाददाता राकेश मिश्रा की ये रिपोर्ट देखिए। हम खड़े हैं अमरकंटक के निर्मला मंदिर पे। ये मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का एक बहुत ही दर्शनीय स्थल है और लोग यहाँ पे हजारों की संख्या में पर डे आते हैं, पर कोरोना की तीसरी लहर के चलते कहीं ना कहीं यात्रियों पर भी असर पड़ा है और जो यहाँ पे श्रद्धालु आते थे उनकी संख्या में भी कमी हुई है। पर अभी भी कहा जा सकता है कि जो कोरोना का प्रोटोकॉल है, जो गाइडलाइंस है, जो नियम बनाए गए हैं उसका उल्लंघन खुलेआम किया जाता है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये नर्मदा मंदिर का मुख्य गेट है और यहाँ पे जो श्रद्धालु पहुँच रहे हैं वो एक भी श्रद्धालु के चेहरे पे आपको मास्क नहीं दिखाई देगा, न सोशल डिस्टेंसिंग दिखाई देगा। पूरी तरह से जो कोरोना गाइडलाइंस के नियम है उसका कहीं ना कहीं उल्लंघन लगातार किया जा रहा है। हालांकि यहाँ पे कुछ पुलिस के कर्मचारी भी खड़े हुए हैं पर उनके द्वारा भी किसी प्रकार की कोई समझाइश नहीं दी जा रही है श्रद्धालुओं को कि किस तरह से कोरोना प्रोटोकॉल का नियम का पालन करना है। तो जिसके चलते यहाँ पे लोग लगातार बिना प्रोटोकॉल के घूम रहे हैं, बिना मास्क के घूम रहे हैं। एक भी व्यक्ति आपको ऐसा नहीं दिखेगा जो यहाँ पे मास्क पे हो। मंदिर प्रशासन का कहना है कि शासन के द्वारा कोई व्यवस्था नहीं की गई है, ना मास्क की, ना सैनिटाइजर के, जिसके चलते श्रद्धालु यहाँ पे मंदिर पे बेरोक टोक घूम रहे हैं और एक कहीं ना कहीं एक बड़ी खतरे की अंदेशा है। जिस तरह से कोविड फैल रहा है और नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है। राकेश मिश्रा, इंडिया न्यूज, अमरकंटक। तो ओमिक्रॉन को लेकर के स्थितियां क्या हैं मध्य प्रदेश से लेकर छत्तीसगढ़, ये तमाम रिपोर्ट्स हमने आपको सिर्फ इसलिए दिखाई ताकि आप अपर निकल रहे हैं घरों से बाहर या फिर इन भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर जा रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं, तो आप सतर्क जरूर रहें क्योंकि कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है और ओमिक्रॉन का नया वेरियंट भी अब और ज्यादा आपको परेशान कर सकता है। इसलिए जिम्मेदारी आपकी भी है और हम अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए लगातार आपसे अपील कर रहे हैं कि आप कोविड गाइडलाइन का पालन करें, कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें। घर से बाहर निकल रहे हैं तो मास्क जरूर लगाएं, 2 गज की दूरी भी जरूर रखें क्योंकि आप सुरक्षित रहेंगे तभी आपका परिवार सुरक्षित रहेगा, आपका समाज सुरक्षित रहेगा और आपका प्रदेश और देश भी इस खतरे से बच सकता है। इस खास पेशकश में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।